जो झोपड़ी में पैदा हुए हैं, कपड़ा नहीं था, चप्पल नहीं था, किताब कलम कॉपी तो दूर की बात है, लेकिन 75 साल में बाबा साहब के संविधान ने हम सबके शरीर पर कपड़ा, सबके सर पर छत और कलम किताब पहुंची गया है ना, वो ईवीएम से गायब हो जा रहा है। अब तो पता ही नहीं चलता है वोट डाल किसको रहे हैं, वोट जा किसको रहा है। तो यकीन मानिए, आने वाले 25 साल में चपरासी से लेकर और चीफ जस्टिस तक इस बहुजन समाज के लोग बनेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। सोचिए, एक दर्जन, दो दर्जन या 5 दर्जन या 150 SC ST OBC के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग जुट जाए तो सरकार के कान खड़े हो जाते हैं। IB, LIU, पुलिस सबको तैनात कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि सरकार इस देश के बहुसंख्यक लोगों से डरती है और उस पर नजर रख रही है। लेकिन हम लोग जो ये कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम क्यों होता है? ये कार्यक्रम होता है कि ये देश कैसे मजबूत बनेगा, इस देश में सबको नौकरी कैसे मिलेगी, गरीबों को पढ़ाई लिखाई कैसे मिलेगी, इस देश का जो शोषित वंचित समाज है, जो SC है ST है OBC है, पिछड़ा है, गरीब है, उसके बच्चों के लिए क्या होगा। और मुझे तो ताज्जुब होता है कि इस तरह के जो लोग आयोजन कर रहे हैं उनके हौसला के लिए आपने एक बार ताली बजा दीजिए, हौसला आप जाहिर कीजिए कि रामलीला मैदान में इस तरह का आयोजन करना, एक तो आपके पास संसाधन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, दूसरा आपको पुलिस परमिशन दे इसके लिए जुगाड़ तंत्र भी होना चाहिए, और तीसरा इतनी हिम्मत और धैर्य होना चाहिए। तो ये तमाम संगठन के लोग हैं, ये सबसे शोषित वंचित समाज के ये लोग हितैषी हैं और इसलिए इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। नहीं बात, अब आप लोग एक बात समझिए, अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी रैली में भीड़ नहीं जुटा सकता है। हम तो प्रधानमंत्री की रैली भी देखते हैं तो मुश्किल से 200, 400, 500 लोग होता है, वो भी खाने के लालच में। पूरा अमला सिस्टम लगा दिया जाता है, पूरा गाड़ी घोड़ा पैसा करोड़ों का पंडाल बनता है, उसके बाद भी लोग नहीं आता है। लेकिन आप अपना खर्चा करके इस कार्यक्रम में जो लोग भी आते हैं, इसका मतलब है कि समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। आप लोग अपने लिए भी ताली बजाइए। और आप लोग एक एक आदमी, एक एक करोड़ आदमी को समझा सकते हैं। अब जमाना सोशल मीडिया का है, वो जमाना गया जब इस देश में टीवी अखबार जातिवादियों और मनुवादियों के पास होता था, वो जो चाहता था वही छापता था, दिन को रात, रात को दिन, चोर को सच्चा, सच्चा को चोर कहता था। इस देश के टीवी अखबारों ने किस तरह से आपके समाज के नेताओं को बदनाम किया, लालू यादव को, मायावती जी को, मुलायम सिंह यादव को, शिबू सोरेन को, सबको बदनाम किया, और हम लोग मान लेते थे, लेकिन अब नहीं मान रहे हैं। अरे देखिए, मुस्लिम भाई साहब लोग जा रहे हैं, आज मीडिया इनके पीछे पड़ा हुआ है, रोज कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं एक मामला दायर होता है और वहां सर्च अभियान चलता है। सबको सपने में आ रहा है तो ये बुरा वक्त है, और ये बुरा वक्त इसलिए आया है कि हमारे समाज के जो लोग हैं, SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक गरीब, वो लोग अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे ठीक से, और दूसरी बात, जो वोट का इस्तेमाल हो ही रहा है वो ईवीएम से गायब हो जा रहा है। अब तो पता ही नहीं चलता है वोट डाल किसको रहे हैं, वोट जा किसको रहा है। लेकिन आप लोग निराश मत होइए, हताश मत होइए, आजादी के सिर्फ 75 साल हुए हैं, और 75 साल में जिनके पास अपना घर नहीं था, हम लोग झोपड़ी में पैदा हुए हैं, कपड़ा नहीं था, चप्पल नहीं था, किताब कलम कॉपी तो दूर की बात है, लेकिन 75 साल में बाबा साहब के संविधान ने हम सबके शरीर पर कपड़ा, सबके सर पर छत और कलम किताब पहुंची गया है ना। अब तो कोई भूखे नहीं मर रहा है, अब जातिवाद का भी खात्मा होगा। सोचिए, जो लोग कल तक मुंह छेंट के चलते थे, जाति के नाम पर अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझते थे और दूसरे को जाति के नाम पर नीचे दिखाते थे, गाली देते थे, मारते थे,
आज उनकी क्या हालत है, या तो जेल जा रहे हैं या समाज में सबसे खराब नजरों से किसको देखा जाता है, जो जातिवादी है और जो मनुवादी है। तो थोड़ा और सब्र रखिए, सिर्फ 75 साल हुआ है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले 25 साल में इस देश का जो बहुसंख्यक आबादी है, जिसको बाबा साहब ने SC ST OBC कहा है, और जब मैं SC ST OBC कहता हूं तो इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप सिख समाज के हो सकते हैं तो भी SC और OBC हैं, आप हिंदू हैं तो भी SC ST OBC हैं, आप मुस्लिम हैं 90% मुसलमान ओबीसी में हैं, आप क्रिश्चियन हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब हैं। इसका मतलब है कि हर धर्म के लोग SC ST OBC हैं और इनकी आबादी 90% है, 100 में 90। जिस दिन SC ST OBC के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, स्कूल कॉलेज चले जाएंगे, और अब तो जो नहीं भी स्कूल कॉलेज गया मजबूरी में, वो भी मोबाइल देखकर अपने हक अधिकार को समझ रहा है। और यहां जो कार्यक्रम हुआ है, ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा होगा सोशल मीडिया के जरिए, और बाकी लोगों तक भी पहुंचेगा। तो यकीन मानिए, आने वाले 25 साल में चपरासी से लेकर और चीफ जस्टिस तक इस बहुजन समाज के लोग बनेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। और इसलिए कहता हूं कि आने वाला समय संविधान का होगा, और आने वाला समय बहुजन समाज का होगा, आने वाला समय इस देश के मूल निवासियों का होगा। और जिनका हक छीना गया है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, या महिला के नाम पर, वो सब इस देश में राज करेगा। सिर्फ 25 साल सबर रख लीजिए। बस करना क्या होगा आप लोगों को, जो संविधान में आपको अधिकार है, जो आपका संवैधानिक अधिकार है, उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी। और अब न टीवी की जरूरत है, न अखबार की जरूरत है, सोशल मीडिया है, और साथ में 1 घंटा आपको समाज के लिए समय देना है। अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो आपको भाईचारा करना है, एक दूसरे का हाथ थामना है। और देखिए, कह रहे हैं दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं कि समय ओवर हो गया है। चलिए, अपना समय आएगा, और इंतजार नहीं है, अब एक दिन आएगा जब इस देश का 90% आदमी इस देश के संविधान के दम पर, जो मानवर साहब कहते थे कि आरक्षण से लेंगे SPDM और वोट से लेंगे CMPM, बस जरूरत है कि अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग रहिए, और संवैधानिक दायरे में रहकर आप अपनी आवाज बुलंद करते रहिए। लास्ट में यही कहूंगा कि जो समाज सड़कों पर पसीना बहाता है, वो समाज कभी अपने कंधों पर शव नहीं उठाता है। और अब बहुजन समाज इस देश को भी बना रहा है, खेत खलिहान को भी बना रहा है, सड़कें भी बना रहा है, फैक्ट्री में भी काम कर रहा है, और संसद में भी 50% पहुंच गया है, और SPDM भी बन रहा है, और आने वाले समय में इस देश का हुक्मरान भी बनेगा, और फिर से देश सोने की चिड़िया और सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का भारत बनेगा, शिवाजी महाराज का भारत बनेगा, फूले पेरियार अंबेडकर कबीर रविदास का भारत बनेगा, गुरु नानक साहब का भारत बनेगा, और इस देश का हर नागरिक सुखी रहेगा, और भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।